आज हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई भी कई विटामिनों की तरह शरीर के लिए जरूरी है। यह कई बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखता है। विटामिन ई कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यदि आप विटामिन ई का सेवन करना चाहते हैं, तो इसका बेहतर उपाय है कि इसे आप स्वस्थ आहार के माध्यम से लें और इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि विटामिन का अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। शरीर में इसकी कमी या अधिकता की जांच के बारे में जानकारी लेते रहें। जांच के लिए कुशल लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए डीपीएमआई पिछले 22 वर्षों से लैब टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित कर रहा है। इच्छुक विद्यार्थी इस कोर्स के माध्यम के लिए दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डीपीएमआई में प्रवेश ले सकते हैं। अब हम विटामिन ई के स्रोत और उससे होने वाले फायदे और नुकसानों के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई के स्रोत। अपने को स्वस्थ रखने के लिए कई आहारों से हम विटामिन ई को ले सकते हैं। विटामिन ई कई खाद्य पदार्थों जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, वनस्पति तेल, गेहूं, सोयाबीन और सूरजमुखी में काफी मात्रा में होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों से भी आप विटामिन ई ले सकते हैं। विटामिन ई के फायदे। विटामिन ई हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम करता है। यह हमें कई होने वाले शारीरिक खतरों से बचाता है। विटामिन ई हमें कैंसर, भूलने की बीमारी, दिल से संबंधित बीमारियों से बचाता है। विटामिन ई हमारी आंखों के लिए उपयोगी है। मोतियाबिंद के खतरे से भी यह विटामिन बचाता है। विटामिन ई प्रोस्टेट ग्लैंड, रक्षा प्रजनन, मांसपेशियों के संकुचन को रोकने व मरम्मत करने का काम करता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस और जिगर के पित्ता तथा पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। विटामिन ई के नुकसान। विटामिन ई की आवश्यकता से अधिक मात्रा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह वसा में घुलनशील होता है। यह मूत्रालय के रास्ते बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए शरीर में अधिक मात्रा में रहने से नुकसान करता है। जब इसे पूरक आहार के रूप में लेते हैं, तब अधिक मात्रा में लेने से ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। विटामिन ई की अधिकता से पैदा होने वाली परेशानियों में खून का पतला होना और थकान के लक्षण दिखते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे एनीमिया, कंकाल, मायोपैथी, गतिभंग, परिधेय, न्यूरोपैथी, रेटिनापैथी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और तंत्रिका क्षति के हानि के संकेत विटामिन ई की कमी के कारण मिलते हैं। इसीलिए जब भी विटामिन ई का सेवन करना हो, तब किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है, ताकि आपको अनभिज्ञता के कारण विटामिन ई के अधिक और कम सेवन से किसी शारीरिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। शरीर में इसकी मात्रा का पता करने के लिए खून की जाँच करते हैं। खून को शरीर से सिरिंज के जरिए निकालते हैं, तब टेक्नीशियन इसका परीक्षण लैब में करते हैं। अगर आप भी लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही आप डीपीएमआई की वेबसाइट www.dpmiindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।
सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरा मेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।